अलवर से सामने आ रही है। अलवर से ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। लोन देने के नाम पर 300 लोगों से ठगी का मामला अलवर से सामने आया है। और आपको बता दें, लाखों रुपए लेकर फाइनेंस कंपनी के लोग फरार बताए जा रहे हैं। तो शिव फाइनेंस का ऑफिस बंद कर कर्मचारी भागे, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 300 लोगों से ठगी करने का ये पूरा मामला है। पीड़ित लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर अलवर से सामने आ रही है। तो अलवर में फाइनेंस कंपनी की ओर से 300 लोगों को ठगे जाने का ये मामला सामने आया है। लोन देने के नाम पर 300 लोगों से ठगी की गई। और साथ ही आपको बता दें कि लाखों रुपए लेकर फाइनेंस कंपनी के लोग, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी फरार हैं। तो शिव फाइनेंस का ऑफिस बंद कर ये कर्मचारी भाग निकले। और साथ ही आपको बता दें, पीड़ित लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दी। फिलहाल पुलिस की ओर से पूरे मामले की जाँच की जा रही है। तो अलवर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए ये बड़ा मामला सामने आया है, 300 लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। पुलिस की ओर से क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है? आशीष, देखिए कृतिका, बिल्कुल पूरी तरीके से अलवर शहर में ठगी का पूरा बड़ा मामला है। 300 से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पर ठगा गया है। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करके जो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये यहाँ से रातों रात फरार हो गए। जो लोग हैं, 300 से ज्यादा लोग अलग अलग पुलिस थानों में पहुंचे हैं। सदर पुलिस थाना, कोतवाली और एनीबी थाने में पहुंचकर इन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनके साथ ये ठगी की वारदात हुई है। दरअसल यहाँ पर जो अलवर शहर में 200 फीट रोड पर एक शिव फाइनेंस कंपनी के नाम से एक दफ्तर संचालित हो रहा था, जहां पर इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर के इन लोगों को ठगा गया। लेकिन जब अब ये लोग यहाँ पर अपना लोन लेने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर ये लोग रातों रात ऑफिस बंद कर करके ये लोग फरार हो गए। दरअसल इन लोगों ने जो अपने एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पूरे शहर में छोड़ दिए थे। ये लोगों को प्रलोभन देते थे सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने का, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ठगी हो जाएगी। अब जब लोग यहाँ सुबह दफ्तर पहुंचे तो पता लगा कि ये लोग रातों रात यहाँ से निकल गए। और अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि जो पुलिस अधीक्षक है आनंद शर्मा, उन्होंने जो तमाम ये पीड़ित लोग हैं, 300 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है, इनको आश्वस्त किया गया है कि उनके साथ पूरा न्याय होगा और पुलिस इस मामले में उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। और जो भी लोग हैं जिन्होंने भी ठगी की है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आशीष, पुलिस अब आरोपियों तक पहुंचने में क्या कुछ कदम पुलिस की ओर से उठाए जा रहे हैं, किस तरह से आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस? बिल्कुल, देखिए कृतिका, की अभी जो हैं लोग पुलिस थानों में पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारियों से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। तमाम जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया गया है। और क्योंकि मामला बड़ा है, फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हुआ, ऐसा मामला ऐसा नहीं है कि अलवर शहर में पहली बार आया हो, इससे पहले भी ठगी के कई मामले सामने आए। इस तरीके की जो फाइनेंस कंपनियां हैं पूरे शहर में अपना प्रचार करती हैं, जाल बिछाती हैं, नेटवर्क बिछाती हैं और उसके बाद लोगों से ठगी करके रातों रात वहां से फरार होकर के निकल जाती हैं। ठीक ऐसा ही मामला अब आज सामने आया है कि शिव शक्ति जो फाइनेंस कंपनी है, इनके अधिकारियों ने, इनके कर्मचारियों ने, जो लोग हैं जो बिल्कुल खून पसीने से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इसमें ज्यादातर मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय जो निवेशक हैं वो लोग ज्यादा संख्या उनकी यहाँ पर बताई जा रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से उन लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो ये ठगी का मामला है इसकी कलाई खुलनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए।